हरियाणा सरकार भले चहुमुखी विकास कराने का दावा करती नहीं थकती हो, लेकिन हकीकत उससे बिल्कुल उलट है, जिसका बड़ा उदाहरण रेवाड़ी का बधाल सेक्टर 5 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जहां सरकार के सभी दावे खोखले साबित हो रहे हैं और लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद व्यापारी यहां त्रस्त है। हालात ये है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद गूंगे बहरे और अंधे शासन प्रशासन की नींद टूट नहीं रही है। पीतल नगरी और अहिरवाल के लंदन के नाम से पहचाने जाने वाले रेवाड़ी शहर के सेक्टर 5 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के हालात इतने खस्ता है कि कोई कह नहीं सकता कि ये सेक्टर की मार्केट है। ना यहाँ सड़क है, ना पानी है, गंदगी का अंबार लगा है, बेसहारा पशुओं का जमावड़ा रहता है और शाम होते ही सेक्टर 5 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स असामाजिक तत्वों का ठिकाना बन जाता है। आपको बता दें कि शहर के बिल्कुल बीचों बीच बीएमजी मॉल के सामने वर्षों पहले ये मार्केट बनाई गई थी, जहां लाखों रुपए खर्च करके लोगों ने भविष्य के लिए यहां दुकानें खरीदी थी, लेकिन वर्षों बाद भी यहां के हालात जस के तस बने हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़क का नामो निशान नहीं है, चारों तरफ गंदगी का अंबार है, प्रशासन द्वारा किए जाने वाले इंतजामों का यहाँ कोई नामो निशान तक नहीं है। बार बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ तो स्थानीय दुकानदार ने सूचना के अधिकार कानून के तहत जवाब भी मांगा, लेकिन कोई जवाब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने नहीं दिया। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि नगर परिषद कहती है कि ये HSVP का काम है और HSVP फंड ना होने का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है। विभिन्न तरह के टैक्स के नाम पर व्यापारियों से चार्ज तो लिया जा रहा है, लेकिन सर्विस के नाम पर कुछ दिया नहीं जा रहा है। ये दिक्कत तो है ना, 23 साल से चली आ रही है। अगर इस सेक्टर को देखें तो ये सेक्टर इज हार्ट ऑफ द सिटी, बिल्कुल बीच में है, बीएमजी मॉल के सामने है। बट इफ़ यू लुक एट द सिचुएशन ऑफ दिस सेक्टर इज टोटली वर्स, बहुत बेकार है। यहाँ पे आदमी अनसिक्योर है, सड़कें बिल्कुल नहीं है, सीवर बिल्कुल नहीं है, पानी के टाइम बारिश के टाइम पानी आता है, इतना पानी भर जाता है कि आदमी गुजर नहीं सकता है। लोग स्मैक ड्रग्स पता नहीं क्या क्या यहाँ पे लेते हैं, दारू का पूरा अड्डा बन चुका है। अगर कोई धंधा भी करना चाहे तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो बहुत परेशानी है यहाँ पे। और मैं अकेला नहीं, यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं सब इसी से ग्रस्त हैं। प्रशासन से लिखित में आपने शिकायत की है? बिल्कुल, प्रशासन को कई बार RTI भेज चुका हूँ, ये RTI की कॉपी है मेरे पास। जब भी उनके पास ये जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, फंड से पूछते हैं कि कब तक फंड आएगा, तो उनके पास जवाब नहीं होता है। तो बहुत मतलब किसी तरीके का कोई सोल्यूशन नहीं है उनके पास, और ना ही वो करना चाहते हैं। अब ये नहीं पता कि वो पैसा खा चुके हैं या वास्तव में उनके पास फंड नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ा फंड है, आई थिंक 2-3-4 करोड़ में हो जाएगा, लेकिन आप देखो 300 दुकानें हैं, 300 दुकानों से कितना पैसा उनके पास आता है। नॉन कंस्ट्रक्शन फीस लेते हैं वो, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं होता। खरीदी थी क्या कीमत? मैंने SCO खरीदा था यहाँ पे 90 लाख में, ठीक है ना। लेकिन अगर आप एक 90 लाख का अगर SCO खरीदा, मैं सोच रहा था कि उसके लिए अपने खाने की चीज़ की दुकान लगाऊं, लेकिन यहाँ पे लोग अपने बाथरूम करते हैं, पोटियाँ करते हैं, दुनिया भरी गाय है, तो बताओ मैं खाने का काम कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ। जी मैं लक्ष्मण शर्मा हूँ। दिक्कत तो जैसा नवीन जी ने बताया ना, ये सेक्टर बनाया तब से ही प्रॉपर डेवलप कभी हुआ ही नहीं, लेकिन मुख्यतः दिक्कत मैंने जब से शॉप खरीदी है मैं उसके बाद का आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे इतना बुरा हाल है, यहाँ पे शाम को 6 बजे नॉर्मल पब्लिक नहीं निकल सकती, मोहल्ले की भी कंप्लेंट है, यहाँ पे नशेड़ियों का जमवाड़ा लग जाता है जी। हमने प्रशासन को लिखित में दिया, पूछा सर क्यों नहीं कराते, कमेटी में गए, कमेटी वाले कहते हैं हमारे पास इन्होंने भेजा नहीं है। हुड्डा में गए, हुड्डा के अधिकारी हमसे बात नहीं करते, लिखित एप्लीकेशन दिए, वो कह रहे हैं हमारे पास फंड नहीं है। तो क्या हम फंड प्रोवाइड कराएंगे इसको ठीक करने के लिए? जबकि एक सिस्टम होता है कि 10 साल जिस सेक्टर को बने हो जाते हैं उनको कमेटी में देना होता है, ये कमेटी में क्यों नहीं दे देते अगर इनके पास फंड नहीं है तो? ऐसा क्या लालच है इनका? क्योंकि फाइलें इनके पास जाती है, वहाँ इनको पैसा चाहिए होता है, काम करने के लिए इनके पास कोई जवाब नहीं है जी।